फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेंसिटी ऑफ टोनर एटम व्हिच हैड टू बी एडेड टू एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ कंडक्टिविटी 5 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स गिवन दैट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप जर्मेनियम इज 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड है है तो तो में holes का का नहीं होता है. तो conductivity का expression करके इसको करना है फाइव ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स म्यू दिया है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेर पर वोल्ट सेकेंडवा होता है क्योंकि एन टाइप सेम कंडक्टर है और डोनर की बात कर रहा है तो मैंने लिखवाया भी था तो क्या होता है कंडक्टिविटी डोनर एटम की वजह से डोमिनेट कर जाती है तो सिग्मा इक्वल टू सेम वैसा ही फॉर्मूला है जैसे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर का बस सफिक्स में D आ जाता है एनडी म्यू ई तो एनडी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन म्यू म्यूई की वैल्यू दी है ई e की वैल्यू आपको पता ही होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन और सिग्मा दिया है यू का ये सेंटीमीटर क्यूब में यानी पर मीट मीटर में करोगे तो पर मीटर क्यूब हो जाएगा फिर उसी अकॉर्डिंग यूनिट हो जाएगी ठीक है यहाँ पे बस पावर में चेंज हो जाएंगे चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ई फॉर ई माइनस ई एफ दिया है जीरो पॉइंट जीरो वन ई वी एट टू हंड्रेड कैलविन तो सिंपल है परमी ट्राक का क्वेश्चन है और ई माइनस ई एफ की वैल्यू दिया है वैल्यूज पुट करके ये आंसर आ जाएगा मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड है तो फर्मी ड्राग फंक्शन अगर आपको पता है तो वैल्यू पुट करके इसका आंसर है तो सिंपल फर्मी ड्राक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये क्वेश्चन है ई माइनस ई की वैल्यू दी है जीरो पॉइंट जीरो वन इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर दिया टेम्परेचर ऑलरेडी कैलविन में दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है तो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है बोर्ड्समैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है into 10 to power minus 23, values put की सॉल्व किया तो यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स आंसर आ रहा है इन एन टाइप सेमी कंडेक्टर द फर्मी लेवल इज जीरो इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्वेश्चन इसके तरीके का फिर दूसरा क्वेश्चन भी है वो पी टाइप के लिए है इन एन टाइप सेमी कंडेक्टर द फर्मी लेवल इज जीरो पॉइंट थ्री ई वी तो फर्मी लेवल दिया है एन टाइप सेमी में बिलो कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर टी दिया है थ्री हंड्रेड कैलविन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज थ्री थर्टी तो T1 से टेम्परेचर ऑफ फर्मी लेवल तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में फर्मी लेवल पे शिफ्ट होगा ये कैलकुलेट करना है तो एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए क्लोज कर लोफ इक्वल टू ईसी माइनस के टी लॉन्ग बेस ई एन सी अपॉन एनडी होता है ये एन टाइप सेमी कंडेक्टर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड से नीचे की तरफ फर्मी लेवल होता है तो ई एफ का ये फॉर्मूला हो गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एफ माइनस ई सी बल्कि उल्टा हो गया है ना अगर हम इसको इधर ले जाएंगे फिर माइनस माइनस करना पड़ेगा चाहे तो इस टर्म को इधर लेके आ जाइए इस टर्म को इधर लेके आ जाइए माइनस ईसी माइनस ई एफ चाहिए क्योंकि कंडक्शन बैंड से नीचे की तरफ हम आते हैं तो ईसी माइनस ई एफ इक्वल टू के टी लॉग बेस ई एन सी अपॉन एनडीए की इक्वेशन आ गई हमारे पास की फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से नीचे की तरफ होता है जो कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है अब कंसंट्रेशन तो तो हम चेंज 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 कर कर नहीं रहे रहे डोनर की सिर्फ सिर्फ हैं तो जो वेरिएशन हो हो गया वो सिर्फ ये वाली वैल्यू रही है टी वाली तो हम क्या करेंगे एक बार इक्वेशन टी वन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे यानी थ्री हंड्रेड के रिस्पेक्ट में एक बार इक्वेशन थ्री थर्टी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है कंसंट्रेशन ये हमारी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यानी कि ये दोनों केस में सेम रहेगा तो एक बार ईसी माइनस ई एफ इक्वल टू जीरो हंड्रेड लॉन्ग बेस ई एनसी अपॉन एन डी सेम ऐसी इक्वेशन हम थ्री थर्टी के लिए लिख लेंगे लेकिन उस केस में हमें ये वाली वैल्यू अननोन होगी यानी कि ई सी माइनस ई एफ तो वहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम इसको फर्स्ट या टेम्परेचर टू के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो चाहे ई एफ वन लिख लेना चाहे ई एफ टू लिख लेना मतलब अलग नोटेशन हो जानी चाहिए इस वाले से यहाँ पे खाली ई सी एफ लिख रहे हैं तो वहां पे वन लिख लेंगे तो ई एफ वन विल बी न्यू पोजिशन ऑफ फर्मिलेविल तो सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिएगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए डिवाइड करेंगे क्या होगा लॉग बेस ई एन अपॉन एनडी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी साथ में के वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी तो आपकी जो है ईसी माइनस ईवी की वैल्यू आ जाएगी और ईसी माइनस ईवी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी और ईसी माइनस ई एफ क्या है फर्मी लेवल का शिफ्टी तो है वो कितना नीचे है तो यहाँ क्वेश्चन में यही तो दिया था फर्मी लेवल इज जीरो पॉइंट थ्री ईवी बिलो द कंडक्शन बैंड तो यानी ईसी माइनस ईवी ई एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी बैंड गैप की वैल्यू नहीं दी थी या फर्मी लेवल की वैल्यू नहीं दी थी कि फर्मी लेवल की कितनी एनर्जी है दिया था कंडक्शन बैंड से कितना नीचे है दिया है किससे बैलेंस बी 300 कैलविन तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है बस टेम्परेचर का चेंज हुआ है वहां थ्री थर्टी था यहाँ फोर हंड्रेड है चलिए जितने आकाश करें हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ठीक है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल का जो फंक्शन होता है EF EV KT log NA होता है तो ई एफ माइनस टू के टी लॉग एनबीन एन सेम वही है एक बार 300 के लिए लिखेंगे इक्वेशन एक बार 400 के लिए लिखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा ई एफ माइनस ईवी की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर ईवी थैंक यू एवरीवन कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट थैंक यू